वेलकम टू हार्टवर्क। ये क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटल स्टूडेंट्स के लिए चल रही है। इस सीरीज़ में हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, वो भी पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आने वाली एग्ज़ाम जैसे DFCCIL, ISRO, DRDO, NPCIL, JEE या AE पोस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका PDF या प्रीवियस ईयर का पेपर और एनी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बाइनरी काउंटर यूजिंग अ बाइनरी काउंटर सर्किट टू काउंट फ्रॉम 0 टू 1023 तक काउंट करने को बोला है। 0 टू 123 कहने का मतलब क्या हो गया? 1023 कहने का मतलब हो गया कि 1024 टाइम्स काउंट करेगा। तो टोटल काउंटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल काउंटिंग कैलकुलेट करने के लिए 2 to the power n करते हैं। और ये जो यहाँ पर n जो है, n होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स या नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो क्या है टोटल काउंटिंग कितना दिया है, कितना हमें काउंट करना है? हमें करना है 1024 टाइम्स काउंट करना है। 1024 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 to the power n। अब इस 1024 को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर n। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना आ गया? 10। डेट मीन्स क्या हुआ कि 10 नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायर्ड होगी। एट रूम टेम्परेचर द करेंट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन को कहा है। सेमीकंडक्टर कितना टाइप का होता है? सेमीकंडक्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं। क्या क्या? एक तो है आपका इंट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक क्या है? और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक क्या है? और एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर करंट कंडक्शन की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो इस केस में करंट का जो कंडक्शन होता है, इस केस में करंट का कंडक्शन ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण इसमें करंट कंडक्शन होता है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब एन टाइप की बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर होती है। एन टाइप में जो मेजोरिटी कैरियर होती है वो होती है, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है कंपेयर टू होल्स, तो इसीलिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? करंट कंडक्शन होता है। और बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर होता है, कौन होता है? मेजोरिटी कैरियर होता है आपका होल्स। इसमें होल्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में करंट कंडक्शन होता है वो ड्यू टू होल्स होती है। ठीक है, तो क्या पूछा है हमें? हमें पूछा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन किसके थ्रू होता है? तो बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यही अगर एन टाइप पूछता तो इलेक्ट्रॉन होता, और अगर ये पूछता पी टाइप सेमीकंडक्टर तो होल्स पे टिक करते हैं। नेक्स्ट है an instruction used to set the carry flag in a microprocessor can be classified as set the carry flag। माइक्रोप्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन होता है STC, with no ऑपरेंड. ओके, नो ऑपरेंड. तो ये एसटीसी क्या हो गया? सेट दी कैरी फ्लैग. एसटीसी क्या होता है? सेट दी कैरी फ्लैग होता है. तो क्या है, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, एसटीसी इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, कैरी फ्लैग सेट हो जाता है. चाहे पहले सेट था या रिसेट था, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है. तो ये एक किस तरह का इंस्ट्रक्शन हुआ? ये हुआ आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. ये आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हुआ. तो कैरी फ्लैग, सेट द कैरी फ्लैग, कैसा ये है इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है. अगर ऑप्शंस में भी देखें तो ये है फर्स्ट क्या है, डाटा ट्रांसफर. डाटा ट्रांसफर यहाँ पर क्या है, नो ऑपरेंट, कोई ऑपरेंट नहीं होता है, तो इसमें डाटा ट्रांसफर का कोई केस तो बनता नहीं है, इसलिए डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नहीं होगा. अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, कुछ अर्थमेटिक परफॉर्म ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, बट यहाँ पर कुछ वैसा कुछ केस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा. और ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को कंट्रोल भी नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा. तो ये कौन सा हो गया? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा एसटीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पल्स ट्रेन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज इज काउंटेड यूजिंग ए मॉड्यूलो 1024 रिपल काउंटर. Built the JK flip-flops for proper operation of the counter. The maximum permissible propagation delay per flip-flops stage is. Maximum permissible propagation delay निकालने बोला है पर flip-flop. ओके, तो इसमें क्या गिवन है? एक तो आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 1 मेगाहर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 1 मेगाहर्ट्ज. तो इससे हम लोग क्या करेंगे, टाइम डिले पहले निकाल लेते हैं. टाइम डिले कैलकुलेट करें तो कैसे होता है? टाइम डिले 1/f होता है, मीन्स 1/फ्रीक्वेंसी होता है. तो क्या हो जाएगा, 1/1 मेगाहर्ट्ज करने का मतलब क्या हो गया, 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा. और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 सेकेंड. ठीक है, ये लिख सकते हैं. तो हमारा टाइम डिले कितना निकल गया, 10⁻⁻6 सेकेंड निकल गया. अब क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, प्रोपोगेशन डिले. प्रोपोगेशन डिले पर फ्लिप फ्लॉप स्टेज, पर फ्लिप फ्लॉप निकालने बोला है. तो यहाँ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना है, ये हमें गिवन नहीं है. हमें क्या गिवन है, मॉड्यूलो गिवन है. दैट इज मोड दिया हुआ है कितना, 1024 दिया हुआ है. 1024 दिया हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2⁰10 लिख सकते हैं. अभी हमने देखा था 2⁰10. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ये हो गया आपका 2⁰n. सो यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है. तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना आ गया, n इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया. नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पता चल गया कितना हो गया, 10 हो गया. अब क्या बोला, प्रोपेगेशन डिले फॉर 10 फ्लिप फ्लॉप. अब हमें कैलकुलेट करना है कि 10 फ्लिप फ्लॉप में पर फ्लिप फ्लॉप स्टेज में कितना प्रोपोगेशन डिले होगा. तो कैसे करेंगे, तो प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन डिले इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना था, 10⁻⁻6 सेकेंड था. इससे हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को डिवाइड कर देंगे. और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻10 ऊपर चला जाएगा, -7 लिख सकते हैं. 10⁻- सेकेंड हो गया. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. आंसर क्या है, नैनो सेकेंड में. तो इसे हम नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे करेंगे, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 100 × 10⁻⁹ सेकेंड भी लिख सकते हैं. तो ये हमारा हो गया 100 नैनो सेकेंड. 100 नैनो सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए जंक्शन ट्रांजिस्टर. ए जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर विथ आईसी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर वेयर केटी बाई क्यू इक्वल टू कितना दिया हो, 25 मिली वोल्ट, हैज बीटा इक्वल टू 100. द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स GM इन महो एंड RX इन ओम्स विल बी. ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने को बोला है, GM और RX निकालने को बोला है. गिवन क्या है हमें, फर्स्ट तो हमें गिवन देखना है. गिवन क्या दिया हुआ, IC, डेट इज कलेक्टर करंट दिया हुआ कितना दिया हुआ, 2 मिली एम्पियर. और क्या दिया हुआ है, KT/Q. KT/Q कहने का क्या मतलब हो गया, KT/Q कहने का मतलब हो गया VT. VT इक्वल टू कितना दिया हुआ 25 मिली वोल्ट, ठीक है 25 मिली वोल्ट दिया हुआ, और क्या दिया हुआ और एक बीटा दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 100, और हमें कैलकुलेट करने को क्या कहा है, कैलकुलेट करने को बोला है GM और RX। तो ये GM क्या होता है, GM हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू GM। GM का फॉर्मूला क्या होता है, GM इक्वल टू होता है IC/VT, ठीक है। तो IC कितना दिया हुआ, IC दिया हुआ 2 मिली एम्पियर और VT कितना है, VT दिया हुआ 25 मिली वोल्ट। तो ये कैंसिल हो गया, मिली मिली कितना हो जाएगा 2/25। इसे हम लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद आ जा रहा है 0.08 क्या में महो में, ठीक है। उसके बाद RX क्या है, AC रेजिस्टेंस है हमारा RX, और RX का फॉर्मूला क्या होता है, RX इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाय GM, ठीक है। तो बीटा कितना है, बीटा दिया हुआ है हमें 100 और GM हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 0.08, तो इसे अगर कैलकुलेट करें तो आ जाता है हमारा 1250 ओम, ठीक है। तो हमें यही कैलकुलेट करना था, GM आ गया 0.08 और RX आ गया 1250, तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर C से जो है हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉल कोफिशिएंट एनेबल्स द डिटर्मिनेशन ऑफ। हॉल कोफिशिएंट क्या करता है, हॉल कोफिशिएंट करने का क्या मतलब है, RH क्या होता है, RH इक्वल टू होता है 1/NQ, ठीक है। वेयर यहाँ पे N क्या है, N होता है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ इससे हम क्या कर सकते हैं, RH से एक तो हम कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और एक होता है कंडक्टिविटी डेट इज सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है N, Q एंड म्यू, ठीक है, N, Q एंड म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, ये म्यू हो गया आपका मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी हो गया। तो इसे और क्या लिख सकते हैं, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू सिग्मा बाई NQ, ऐसे लिख सकते हैं, NQ है ये NQ, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 1/NQ, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये NQ का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये वाला वैल्यू हो जाएगा NQ, अभी हमने ये देखा, NQ को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू RH, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका म्यू और ये हो गया RH, तो इस RH से हम म्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज मोबिलिटी, यानी कि हम मोबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर भी कैलकुलेट कर सकते हैं RS से, दैट इज हॉल कोफिशिएंट से। तो हमारा आंसर कौन सा हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है ऑप्शन B। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द एंटीना हैज 40 ओम एंटीना रेजिस्टेंस एंड 60 ओम रेडिएशन रेजिस्टेंस, द इफिशियंसी ऑफ एंटीना विल बी। गिवन क्या है, गिवन हमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है एंटीना रेजिस्टेंस दैट इज RA इक्वल टू दिया हुआ है 40 ओम, और एक क्या दिया हुआ है, एक है रेडिएशन रेजिस्टेंस दैट इज RR, रेडिएशन रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना 60 ओम दिया हुआ। हमें क्या निकालने को बोला है, इफिशियंसी निकालने को बोला है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू होता है RR डेट इज रेडिएशन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एंटीना रेजिस्टेंस प्लस रेडिएशन रेजिस्टेंस इनटू 100, ओके। सो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 बाय क्या हो जाएगा, 60 बाय RA कितना दिया हुआ 40 प्लस 60 इनटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 60/100 इनटू 100, ये परसेंट और ये परसेंट, तो यहाँ से क्या हुआ 100 कट कैंसिल, तो बचा कितना 60%, इफिशियंसी कितना आ गया 60%, ऑप्शन D हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन है। तो ये क्या है, 8 किलोहर्ट्ज कम्युनिकेशन चैनल हैज एन SNR ऑफ 30 dB। इफ द चैनल बैंडविड्थ इज डबल्ड कीपिंग द सिग्नल पावर कॉन्स्टेंट द SNR फॉर द मॉडिफाइड चैनल विथ बी। ओके ठीक है, तो क्या है SNR है। SNR कहने का क्या मतलब हो गया, SNR मीन्स क्या होता है, S/N, डेट इज सिग्नल पावर टू नॉइज पावर। द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज पावर इज नोन एज SNR। ओके, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, इसमें गिवन क्या है हमें, एक गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, SNR दिया हुआ है, वो भी dB में। SNR इन dB क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 30 dB दिया हुआ है, ठीक है, 30 dB दिया हुआ। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल SNR में कन्वर्ट कर लेंगे, नॉर्मल SNR में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल SNR में निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 10 log बेस 10 SNR इक्वल टू 30 dB दिया हुआ है, ठीक है, 30 dB। 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम SNR क्या लिख सकते हैं, SNR इक्वल टू लिख सकते हैं 10 to the power 3 लिख सकते हैं, डेट इज 1000। SNR का क्या वैल्यू आ गया, SNR का वैल्यू आ गया हमें 1000 आ गया। अब क्या बोला है आगे, फर्दर क्वेश्चन में बोला है कि इफ चैनल बैंडविड्थ इज डबल्ड, चैनल बैंडविड्थ इज डबल्ड, यहाँ पे बैंडविड्थ को क्या करने बोला है, बैंडविड्थ को बोला है डबल करने को, बैंडविड्थ को डबल करने बोला। और क्या बोला, सिग्नल पावर को क्या करने बोला, कांस्टेंट रखने को बोला। तो बैंडविड्थ डबल करने को बोला, सिग्नल पावर को कांस्टेंट रखने को बोला, तो इफेक्ट इस पे आएगा, इफेक्ट आएगा आपका नॉइज पावर पे, ठीक है। और नॉइज पावर का सिंपली एक फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू, नॉइज पावर का एन इक्वल टू KTB। ओके, यहाँ पे K क्या है, K आपका हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है आपका, T है आपका टेम्परेचर, और B हो गया आपका बैंडविड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें अगर, तो ये जो N जो है, N वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, N जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि बैंडविड्थ को डबल करना है। अब बैंडविड्थ डबल होगा तो जाहिर से बात है ये प्रोपोर्शनल है, तो नॉइज भी डबल होगा। जब नॉइज भी डबल होगा तो अब क्या है, अब SNR निकालने को बोला है, SNR कैलकुलेट करने को बोला है मॉडिफाई करके। तो SNR कैलकुलेट करें जब हम SNR को, तो कैसे करेंगे, SNR इक्वल टू क्या हो जाएगा, SNR इक्वल टू क्या लिखते हैं, S/N। अब यहाँ पे नॉइज को क्या करना है, डबल कर देना है। और हमने क्या किया, ये S/N को पहले कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 1000। तो ये 1000 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 500। SNR कितना आ गया, 500। अब आंसर किस में कैलकुलेट करना है हमें, dB में, तो इसे dB में कन्वर्ट कर लेते हैं। dB में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, SNR हमें कैलकुलेट करना है किस में, dB में, इक्वल टू क्या करेंगे, 10 log बेस 10 और 500। तो ये कैलकुलेट होने के बाद आपका आ जाता है 27 dB, ठीक है, 27 dB हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, डेट इज ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द बैंड गैप ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बैंड गैप। बैंड गैप क्या होता है, ये हमने शायद पिछले क्लास में भी देखा था। तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो है कुछ इस तरह का होता है, ये हमारा बैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। तो ये दोनों का जो गैप होता है, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंट एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है, डायमंड, जर्मेनियम और सिलिकॉन को असेंडिंग ऑर्डर में ये करना है, अरेंज करना है। तो हम अगर बात करें सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन की EG, डेट इज बैंड गैप, ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम का होता है Eg, डेट इज एनर्जी बैंड गैप होता है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक क्या है, और एक है डायमंड। डायमंड का एनर्जी गैप कितना होता है, वो होता है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या बोला है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोला है, मीन्स असेंडिंग मीन्स लोअर टू हायर जाना है। तो लोअर कौन सा वैल्यू हो गया, सबसे पहले तो आ गया आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आ रहा है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आ रहा है डायमंड। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन ए 8085 माइक्रो प्रोसेसर वाई रेडी सिग्नल इज यूज। रेडी सिग्नल का यूज 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्यों होता है। रेडी सिग्नल का यूज किया जाता है स्लो पेरिफेरल डिवाइस के लिए। जितने स्लो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जब वो एक्सटर्नली माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नली कम्युनिकेट करता है स्लो पेरिफेरल डिवाइस से, तब ये जो रेडी सिग्नल है, रेडी सिग्नल वो क्या करता है, रेडी सिग्नल वेट स्टेट शो करता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, टू प्रोवाइड प्रॉपर वेट स्टेट्स व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर इज कम्युनिकेटिंग विद स्लो पेरिफेरल डिवाइस, तो ये काम है रेडी सिग्नल का। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, मीन्स लास्ट वीडियो में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, एन और गेट हैज इनपुट्स, वन इनपुट इज हाई एंड द अदर्स थ्री आर लो, द आउटपुट इज, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑलवेज हाई होता है। एक भी इनपुट अगर हाई हो और गेट में तो उसका आउटपुट ऑलवेज हाई होता है। नेक्स्ट ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे करना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप आने वाली क्लास से हमसे जुड़े रहे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।